अब उस बम के बारे में जो खुद ही डिफ्यूज हो गया। मंशा बम की गिरफ्तारी का यह मामला है। पुलिस की टीम मंशा बम की गिरफ्तारी के लिए लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो चुकी है। इसी हवाले से तफसीलात जानने के लिए रुख करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर मुजाहिद शेख। मुजाहिद शेख, बताइएगा मंशा बम डिफ्यूज हो चुका है? हाँ जी बिल्कुल, मंशा बम को डिफ्यूज करने की जिम्मेदारी तो लाहौर पुलिस की थी, लेकिन लाहौर पुलिस उसे डिफ्यूज करने में नाकाम रही और बिल आखिर मंशा बम ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर खुद ही अपने आप को पेश कर दिया। और इसमें एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि डीआईजी ऑपरेशन लाहौर शहजाद अकबर से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि लाहौर से एक खसूसी टीम जो है मंशा बम के लिए इस्लामाबाद रवाना कर दी गई है और अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हुआ कि उसे गिरफ्तार करके लाहौर लाना है तो उसे गिरफ्तार करके लाहौर लाया जाएगा और शामले तफ्तीश किया जाएगा। डीएजी ऑपरेशन का ये भी कहना था कि उनके खिलाफ थाना जौहटोन में जो है सरकारी अराजी पर कब्जा और कार्य सरकार में मुदाखलत करने की दफात के तहत मुकदमात भी दर्ज हैं। तो डीएजी ऑपरेशन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म होगा कि उसे गिरफ्तार करके लाहौर लाना है तो उस पर ही अमल दरामद किया जाएगा। जी शुक्रिया मुजाहिद शेख, तफसीलात से आगाह किया आपने।